सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी न कभी तो अटलांटिक शहर का नाम सुना ही होगा। वही शहर जो रातों रात समुद्र की गहराई में कहीं खो सा गया, जैसे कभी उसका अस्तित्व था ही नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये शहर कभी अस्तित्व में था भी या नहीं, और अगर था तो कहाँ पे, और क्या आज तक इंसानों को इस शहर के होने के कोई भी पुख्ता सबूत मिले भी हैं? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में कभी ना कभी तो आए ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ और मैं आपको ले चलूंगा देवता पोसाइडन के आधुनिक शहर अटलांटिस में। सो हे गाइस, इट्स मी मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं यूनिक वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, अटलांटिक शहर के बारे में सबसे पहले हमें ग्रीस के एक बहुत बड़े फिलोसोफर प्लेटो ने 2000 साल पहले बताया था। प्लेटो का कहना था कि अटलांटिक शहर 9000 साल पहले अस्तित्व में हुआ करता था। और हाँ फ्रेंड्स, ये टाइम प्लेटो ने तब बताया था जब वो जिंदा था, यानी कि 2000 साल पहले। जिसका मतलब ये है कि अगर हम आज के टाइम को जोड़ें, यानी कि 2023 को, तो लमसम 11000 साल पहले। सो प्लेटो ने इस शहर को अपनी किताब में किसी स्वर्ग के तरीके बताया है, जहां डेमी गॉड और ह्यूमन एक साथ मिलकर रहते हैं। प्लेटो के हिसाब से ये शहर बहुत ही ज्यादा अमीर और उन्नत हुआ करता था, और तो और ये अपने टाइम के हिसाब से भी आगे का विकास कर चुके थे, यानी कि ये टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे थे। इस शहर के चारों ओर छोटे छोटे द्वीप थे जो एक दूसरे से किसी ब्रिज के सहारे कनेक्टेड थे। लेकिन इतना अमीर देश और शक्तिशाली होने के बाद भी ये देश और अमीर और शक्तिशाली होना चाहता था, इसलिए अपने आसपास के इलाकों पे हमला करने लगा ताकि ये और अमीर और शक्तिशाली हो सके। और ऐसा हुआ भी। एक टाइम के बाद ये शहर बहुत ही ज्यादा अमीर और शक्तिशाली हो गया। यहाँ के लोग नॉलेज के मामले में बहुत आगे निकल चुके थे, और तो और इस शहर के सामने और कोई देश खड़ा नहीं होना चाहता था। लेकिन वो कहावत है ना, पावर करप्ट पीपल्स, प्लेटो के हिसाब से यही चीज हुआ अटलांटिस के साथ भी। लेकिन दिक्कत यह है कि प्लेटो अपने डिस्क्रिप्शन में इतना खो गए कि वो इतिहास को काल्पनिक कहानी और माइथोलॉजी से जोड़ने लगे, जिससे ये इतिहास थोड़ी सी अनरियलिस्टिक हो गई। प्लेटो ने अपने डिस्क्रिप्शन में बताया है कि यहाँ के लोग अपने लोभ में घमंडी और लालची हो गए, जिसे देख के गॉड्स ने अटलांटिस के लोगों को सबक सिखाने को सोचा, और एक दिन भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी ने एक साथ मिलकर इस शहर पे हमला कर दिया, जिससे रातों रात ये शहर कहीं समुद्र की गहराई में खो सा गया, मतलब कि डूब गया। अब प्लेटो की ये कहानी थोड़ी नकली टाइप की लगती है, इसलिए हम थोड़ा इसे रियलिस्टिक वे में देखेंगे। सो अगर हमें इसे थोड़ा रियलिस्टिक वे में देखना है, तो हमें गॉड्स और माइथोलॉजी के वे को हटाना होगा और सीधा सीधा इसे समझते हैं कि हो सकता है कि पुराने टाइम पे अटलांटिक जैसा कोई शहर हुआ करता था, जहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अमीर और टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा आगे थे। लेकिन फिर एक दिन अटलांटिस शहर में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा, और हम सब जानते हैं कि एक ज्वालामुखी के फटने के बाद आसपास के एरिया में इतना ज्यादा कंपन होता है कि वो किसी भूकंप से कम नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि कंपन सुनामी को ट्रिगर करने के लिए काफी है। सो मेरा कहना ये है कि हो सकता है कि अटलांटिक शहर में एक दिन एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा, और उसके फटने के बाद भूकंप और सुनामी जैसी चीजें ट्रिगर हो गई, जिसके कारण ये शहर और यहाँ की सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट हो गई। सो अगर आप मेरी इस इतिहास को लेके चलें, तो ये थोड़ा रियल टाइप का लगता है। लेकिन जहाँ तक बात है प्लेटो की इतिहास की, तो वो थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लगता है। सो हम सभी जानते हैं कि प्लेटो द्वारा दी गई हर एक कहानी सच हुई है, लेकिन अटलांटिक शहर की कहानी कितनी सच्चाई है, इस बात का कोई सबूत नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या वैज्ञानिकों ने इस शहर को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, तो मैं आपको बताता चलूं कि वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने इस शहर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वो इस शहर को ढूंढने के लिए कोई कदम उठाते थे, उनके सामने ये दो प्रॉब्लम आ जाती थी। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि प्लेटो ने अपने डिस्क्रिप्शन में कभी नहीं बताया कि ये शहर की असली लोकेशन कहाँ पे है, जिसके कारण हमें ये पता ही नहीं है कि हम इस शहर को कहाँ पे ढूंढें। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कभी इस शहर को ढूंढ भी लें, तो प्लेटो ने हमें ऐसा कुछ बताया ही नहीं है जिसके कारण हम ये डिसाइड कर सकें कि ये अटलांटिस शहर ही है। जिसका मतलब ये है कि हो सकता है कि हमने इस शहर को ढूंढ लिया हो, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये अटलांटिस शहर है। सो फ्रेंड, इन्हीं सब
रीजनों की वजह से आज तक हम इस शहर को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन हो सकता है कि आगे फ्यूचर में हम इसे ढूंढ लें। तो फ्रेंड्स, यही थी एंटार्क्टिक शहर की कहानी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये शहर असली में मौजूद है या नहीं? मुझे अपने राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं फिर मिलूंगा किसी और नए वीडियो के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।